दिन ब दिन नागपुर की जीवन रेखा बनती जा रही है और महामेट्रो से प्रतिदिन लगभग 60,000 नागरिक यात्रा कर रहे हैं। यह संख्या धीरे धीरे बढ़कर 2 लाख यात्रियों तक पहुंच जाएगी। महामेट्रो के निदेशक अनिल कोकाटे ने कहा कि मेट्रो शहर की जरूरत है और यात्रियों की बढ़ती संख्या के साथ माझी मेट्रो शहर का जीवन चैनल बनता जा रहा है। वे स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पहल के तहत नागपुर जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिला सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित नागपुर बदलना और परिवहन व्यवस्था में मेट्रो की भूमिका विषय पर एक वेब चर्चा में बोल रहे थे। प्रारंभ में कलेक्टर आर विमला ने उनका स्वागत किया। महामेट्रो नागपुर की परिवहन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 60,000 यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं, जिससे उनके स्वयं के वाहन की लागत की बचत होती है, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण मुक्त रहता है। उन्होंने कहा कि नागपुर के स्वच्छ वातावरण के लिए मेट्रो का चुनाव सही था। उन्होंने यह भी कहा कि मेट्रो के पूरी क्षमता से संचालन के बाद 2 लाख यात्री यात्रा करेंगे, इसलिए पर्यावरण का संरक्षण होगा। ग्रीन सिटी कॉन्सेप्ट में वाहनों का कम इस्तेमाल होने की उम्मीद है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मेट्रो में 60% सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। महामेट्रो नागपुर के साथ पुणे नासिक ठाणे योजना तैयार की गई है, जबकि औरंगाबाद योजना तैयार की जा रही है। इसे राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है और प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द इस परियोजना को वहां भी लागू किया जाएगा। मेरी मेट्रो से नागपुर शहर का विकास होगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पालसी, BCN न्यूज़, नागपुर।